अब हम चल रहे हैं गार्डन में आपको दिखाने के लिए, नेचुरल पार्क इसका नाम है, वहाँ पर हम चल रहे हैं अभी, आपको दिखाएंगे वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करिए। ये भी सूरत में आया हुआ है, गुरुकुल के अंदर ही है और काफ़ी पब्लिक है, संडे इसलिए आप पब्लिक भी ज़्यादा आई हुई है। ये शाम के टाइम में 7 बजे का टाइम है, ये नेचुरल पार्क है और नेचुरल पार्क में देखो देखो बहुत ही हरे भरे गार्डन है और नेचुरल पार्क के अंदर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो भी भगवान के बारे में बताई गई है। ये देखिए किस तरह यहाँ पर ये देखिए अर्जुन ने जब मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए पानी में देखकर कहा था, ये देखो ये वो गार्डन में इस तरह स्टेचू बनाया गया है। ये हमारे बजरंगबली बालाजी भगवान का मंदिर है यहाँ पर और काफ़ी सारे भगवान का भी मंदिर है यहाँ पर और ये देखो पशु पक्षी को भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खरगोश वगैरह है। बहुत ही सुंदर गार्डन है, नेचुरल पार्क है क्योंकि देखने में और भी मज़ा आएगा आपको। ये हमारे श्री प्रभु राम जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं उनके पास में और बजरंगबली भी खड़े हैं उनके पास में और ये देखिए गार्डन में सभी भगवान के, कृष्ण भगवान के, राम भगवान और सभी भगवानों के देखो यहाँ पर राउंड में मूर्तियाँ बनाई गई है। देखो बुद्ध भगवान, विष्णु भगवान और भी कहीं भी देवी देवता बनाए गए। देखो हमारे गणेश जी महाराज और सभी भगवानों के यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है तो गार्डन में आपको घूमने का भी मज़ा आए और भगवान के दर्शन भी हो जाए। देखो ये देखिए हरना कुछ कर वध करने के टाइम पे भगवान ने जो नरसिम्हा भगवान का रूप लिया था, ये देखिए ये देखो काफ़ी शाम हो चुकी है फिर भी आपको ये वीडियो पूरा दिखाएंगे। ये देखिए ये जो है ये रियल है, ये तो टेचू बना के लेकिन रियल में ऐसा है कि आप YouTube पे सर्च करेंगे गिरनार के साइड वहाँ पे भी शेरों के साथ घूमते हैं गुरुजी अभी भी हाल में भी आप देख सकते। देखो यहाँ क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, देखो इसके नीचे पूरी भूत की गुफा है और गुफा में भी मैं आपको जाके बताऊँगा लेकिन उससे पहले थोड़ा एक और चीज़ कोई आपको दिखानी है वो भी आपको दिखा सकते। और ये देखो बच्चों के घूमने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर छोटा सा एक गार्डन और बनाया गया अंदर। ये देखिए डायनासोर का जो स्टैचू बनाया गया है ये गार्डन के बीचों बीच बनाया गया, बहुत ही बड़ा स्टैचू है डायनासोर का जो हजारों वर्ष पहले इनके वंश ख़त्म हो गए थे। डायनासोर अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, खाली स्टैचू देखने को मिलेगा क्योंकि हजारों साल पहले उनके। ये देखो छोटे छोटे भी ऐसे कोई अद्भुत चीज़ें बनेगी देखने के लिए। ये देखो ये छोटी छोटी चिड़िया है उनके लिए सुविधा की गई है यहाँ पर। ये देखो पहले किस तरह कुएं में से पानी निकालते थे उस टाइम का ये वीडियो बनाया गया है। देखो देसी ज़िंदगी इस तरह थी पहले। ये देखो गुरुकुल में किस तरह बच्चे योगा कर रहे हैं, योगा जीवन में ज़रूरी है, आप सभी को भी करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। ये देखिए ऐसा लगेगा आप रियल देख रहे हो, इस तरह मूर्तियाँ बनाएगी। ये देखो ये जो गुफा है, ये जो राक्षस का मुंह है, ये पूरी भूत की गुफा है और भूत की गुफा में आपको जाकर ऐसी ऐसी चीज़ें हम बताएंगे आपको। ये देख सकते हैं सब भूत की गुफा में जा रहे हैं और मैं भी अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। और ये देखिए ये पूरी भूत की गुफा है, ये देखो आपको ऐसा लगेगा सच में भूत है यहाँ पर। देखो ये देखो
सभी भूतों के यहाँ पर दृश्य बताए गए। देखो राक्षस भूत, ये देखिए किस तरह यहाँ पर राक्षसों का और भूतों का पूरा स्टेचू बनाया गया है। फिर भी देखो बच्चे भी देख रहे हैं, ये देखिए लोग फोटो भी खींच रहे हैं, ये देखिए किस तरह पहले के टाइम पे राक्षस हुआ करते थे, भूत हुआ करते थे। इस टाइम में तो अब इतना होता नहीं है, लेकिन पहले राक्षस और भूत रियल होते थे। ये देखिए ये पूरी गुफा है, वहाँ पे दीवारों पे भी इस तरह चित्र बनाए गए भूतों के। अब हम चल रहे हैं गुफा के बाहर, ताकि और भी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे। ये देखो हम गुफा के बाहर आ गए, और ये हमारे महादेव का बहुत ही बड़ा शिवलिंग, और देखो ये संघ रखा हुआ है और पानी से अभिषेक हो रहा है। ये देखो हमारे भोलेनाथ और उन्हीं का ये शिवलिंग। ये देखो पेड़ों पर किस तरह कलर किया गया है, और ये शिवलिंग है और ये हमारे महादेव। और ये देखिए शेर, जैबरा, सभी तरह के पशु पक्षी यहाँ पर स्टैचू में के रूप में बनाए गए हैं। ये पूरा गार्डन है, नेचुरल पार्क, बहुत बड़ा गार्डन है। ये देखिए ये देखिए किस तरह ये बनाए गए हैं, पत्थर से, छोटे छोटे पत्थरों से। और ये हमारे भोलेनाथ, यहाँ पे ऊपर भी एक पहाड़ के ऊपर छोटे से पहाड़ बनाया गया, उसके ऊपर भी मूर्ति है। ये हमारे देशभक्त भारत माता, गांधी जी, हमारे देश के सैनिक, भारत माता और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, ये सब के स्टैचू बनाए गए, ताकि बच्चों को लेके आए, ताकि उनके भविष्य में कुछ सीखने को मिले, ताकि वो भी देखे हमारे देश में क्या क्या चीज़ थी पहले, देशभक्ति भी दिखाए और हमारा रामायण महाभारत भी दिखाए। ये देखो छोटे छोटे हंस के बच्चे भी है यहाँ पर। देखो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी आपको हम ये वीडियो पूरा दिखाएंगे। ये देखिए कृष्ण भगवान किस तरह मटकी चुरा के छुप जाते थे घर के पीछे, जब वो लोग कहने आते थे कि आपके खाना ने मटकियाँ चुराई है। और ये देखिए कृष्ण भगवान के राधा जी के संग झूलते हुए सावन में, ये